हाय एवरीवन, स्वागत है आपका कृष्णा मंचल रसोई में। और आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स्ड आटा और लौकी का बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट मुठिया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मुठिया बनाने के लिए हमें चाहिएगी लौकी। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के करीब लौकी ली है। और लौकी का फ्रेंड्स मैंने छिलका नहीं उतारा है क्योंकि ये फ्रेश लौकी है। तो आप चाहें तो अच्छे से उसे 2-3 बार वॉश करके फिर इसे कद्दूकस कर लें। इससे बहुत बढ़िया सा क्रंच आएगा मुठिया में। तो ये देखिए लौकी मैंने कद्दूकस कर ली है। और अभी एक कोई बड़ा बर्तन ले लेंगे, उसमें हम इसका मिक्सचर तैयार करेंगे मुठिया के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये नॉनस्टिक कढ़ाई ली है ताकि ये जो आटा है वो इसमें चिपकेगा नहीं। तो इस तरह की कोई कढ़ाई या कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे गेहूं का आटा, आधा कप गेहूं का आटा, और आधा कप ही हम ज्वार का आटा ऐड करेंगे। और इसके साथ ही इसमें जाएगा बाजरे का आटा, पर्ल मिलेट जिसे कहते हैं। तो आधा कप ही हम बाजरे का आटा लेंगे और इसके साथ ही 1/4 कप जितना बेसन ऐड करेंगे। और इसके साथ एक चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा अदरक ले लेंगे और 3 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है और वो भी तीखी वाली ली है। तो आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं। और अभी इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके साथ ही कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले ये जो चटनी हमने बनाई है नमक के साथ कूट के, वो मिक्स करेंगे इसमें। और आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार आप नमक ऐड करें। साथ ही इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर, तो आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके साथ ही आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगा धनिया पाउडर आधा चम्मच, और थोड़ा सा हम इसमें दही ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा दही नहीं, 1 टेबलस्पून जितना फ्रेश दही। एंड 1 टेबलस्पून ही हम इसमें तेल ऐड करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा अजवाइन ऐड करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। और इसके साथ ही ये कसूरी मेथी मैंने ली है थोड़ी सी सूखी वाली, ये इसे भी ऐड करेंगे। इससे फ्लेवर इसका बहुत बढ़िया आएगा मुठिया का। साथ ही इसमें जाएगा गरम मसाला, थोड़ा सा गुड़ ऐड करेंगे हम, और खूब सारा हरा धनिया ऐड करेंगे। ये बहुत ही अच्छी गुजराती पारंपरिक नाश्ते की डिश है, आप जरूर ट्राई करें। अभी हमें पानी गर्म करना है तो ये इडली वाला कुकर मैंने लिया है, इसमें 3 ग्लास जितना हम पानी डाल देंगे। और मीडियम फ्लेम पे पहले हम पानी को गर्म करेंगे। साथ ही साथ ये जो मिश्रण हम बना रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें हम अब थोड़ा सा कुकिंग सोडा या बेकिंग सोडा आप ऐड कर सकते हैं, 1 पिंच जितना ही ऐड करना है, बहुत ज़्यादा हमें ऐड नहीं करना है। और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो इसका एक हमें डो तैयार करना है। और अभी तक मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, और पानी की ज़रूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि लौकी में ऑलरेडी काफ़ी पानी होता है। तो इस तरह से आप मसल मसल के अच्छे से एक ही डो तैयार कर लें। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। और अभी इस आटे को 5 से 6 भागों में आप डिवाइड कर लें और इस तरह से बड़ा सा पोर्शन लेंगे और हम मुठिया तैयार कर लेंगे। तो ये सारी मुठिया हमारे बनके तैयार हैं। अब यहाँ पे पानी भी चेक कर लेते हैं। देखिए पानी भी उबल चुका है। और ये जो जाली वाली प्लेट है इसको अच्छे से तेल से ग्रीस करके इसमें रख लेंगे पहले। और इसके बाद ये जो मुठिया है वो हम इसमें इस तरह से प्लेस कर देंगे। और इन मुठियों को हमें 15 मिनट्स के लिए स्टीम करना है हाई फ्लेम पे।
अभी आफ्टर 15 मिनट्स देखिए मुठिया हमारे बहुत अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब इन्हें हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। सो अभी कर लेते हैं तड़के की तैयारी। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। थोड़ा सा हम इसमें मस्टर्ड सीड्स यानी राई दाना, बहुत कम हम राई इसमें ऐड करेंगे, और इसके साथ ही 2 टीस्पून जितना हम इसमें तिल ऐड करेंगे। तिल का फ्लेवर इसमें बहुत बढ़िया लगता है, तो राई आप बहुत कम ऐड करें, और इसके साथ ही थोड़ा सा हींग जाएगा इसमें। करी पत्ता ऐड करेंगे, एक हरी मिर्ची मैंने स्लाइस करके इसमें ऐड की है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं। और ये जो कटा हुआ मुठिया जो हमने बना के रखा है वो इसमें ऐड कर लेंगे। अभी 2 से 3 मिनट हमें इसे पकाना है, तो इस तरह से उलट पुलट करके हम इसे थोड़ा सा क्रिस्प होने देंगे। और इस पे भी फ्रेंड्स थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक आप ज़रूर ऐड करना, इससे जो मुठिया है उसका फ्लेवर और भी बढ़िया हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। और इसमें अब डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद हम गैस बंद कर लेंगे और इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो गर्मा गर्म मिक्स्ड आटा लौकी का मुठिया हमारा बनके तैयार है। इसे एक सर्विंग बाउल में हम ट्रांसफर कर लेंगे। और ये गुजराती पारंपरिक नाश्ते की डिश है फ्रेंड्स, आप जरूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स लौकी का मुठिया हमारा बनके तैयार है। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अपने अनुभव मुझे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।